टी20 क्रिकेट मैच में लग चुके 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के और 10 गेंदों में ठोक डाले 50 रन और टूट गया युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों अगर अभी जानना चाहते हो कि किस खिलाड़ी ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। टी20 अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। टी20 वर्ल्ड कप 2007 में पहली बार युवराज ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और 12 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारी थी। उसके बाद से इस कारनामे को कोई नहीं दोहरा पाया है। मगर दोस्तों बीती रात को एक मुकाबला खेला गया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान में 20 ओवर में, जिसमें चरित असलंका ने 25 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 17 ओवर की 3 गेंद में महज 3 विकेट के नुकसान में 157 रन बना डाले और मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने कमाल की पारी खेली और 17 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे।